व्हाट्स अप गाइस, मेरा नाम रविशंकर है और स्वागत है आपका मेरे चैनल रवि ब्लॉग्स टेक में। तो गाइस, ट्रूकॉलर ने लॉन्च कर दिया है अपना बिल्कुल नया वर्जन ऑफ ट्रूकॉलर, जो कि बहुत ही अमेजिंग फीचर्स, नए फीचर्स, कम्प्लीटली रीडिजाइंड यूआई और भी बहुत ही अच्छे चीज़ लॉन्च किया है ट्रूकॉलर ने। तो मैं इस वीडियो में आप लोगों को उसी फीचर्स के बारे में बताने वाला हूँ। तो गाइस, वीडियो को पूरा एंड तक देखते रहेगा और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसे लेटेस्ट टेक के अपडेट्स लाता रहता हूँ। तो गाइस, वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, यहाँ पे जो सबसे पहली अपडेट है वो है कॉलर आईडी पॉपअप स्क्रीन में। तो आप जैसा कि जानते हैं, पहले छोटा सा दिखता था, पर अब ये इसका साइज इंक्रीज कर दिया गया है। ये आपको फुल स्क्रीन में दिखेगा, वो भी बहुत ही अच्छा सा अपीयरेंस रहेगा, जैसे कि आप देख सकते हैं, और बहुत ही अच्छा दिख रहा है ये फुल स्क्रीन। तो गाइस, यहाँ पे अगले चेंजेस जो है वो है होम स्क्रीन टैब में। तो आप होम स्क्रीन टैब में जैसे ही जाएंगे, होम स्क्रीन टैब में वहाँ पे आप लोगों को सभी कॉल, सभी मैसेजेस एक जगह दिखाएंगे और बहुत ही कैटेगराइज वे में दिखाएंगे, जो कि बहुत ही अच्छा है। आप लोगों को अलग जगह नहीं जाना पड़ेगा मैसेज देखने के लिए, अलग जगह नहीं जाना पड़ेगा कॉल देखने के लिए, कॉन्टैक्ट्स वगैरह देखने के लिए। आप सभी ये सब चीज़ होम स्क्रीन में देख सकते हैं, होम टैब में देख सकते हैं। आप किसी को भी रिसेंटली मैसेज भेजें तो उधर ही दिखाएगा, या फिर अगर किसी को रिसेंटली कॉल किए हैं तो वो उधर ही दिखाएगा, और वो भी करेक्ट ऑर्डर में कि डेट वाइज, मतलब जब आप किए हैं वो एक्शन, उसी के डेट वाइज ये अरेंज रहेगा, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। तो गाइस, अगली फीचर जो है यहाँ पे ऐड की गई है वो है SMS टैब में। आप लोगों को अब नया इम्पॉर्टेंट का सेक्शन देखने को मिल जाएगा, वहाँ पे आप लोगों को दिखाएगा जो भी अपकमिंग नोटिसेज है, जैसे कि बिल पेमेंट करना है तो अपकमिंग में दिखा देगा कि अपकमिंग बिल इतना डेट में आप लोगों को पे करना है, या फिर कोई रिमाइंडर आप लोगों ने सेट किया है तो वो सब दिखाएगा। इंपॉर्टेंट मैसेज बेसिकली आप लोगों को दिखाएगा SMS में, तो जो कि बहुत ही अच्छा है। और आप मान लो कोई बिल है, मतलब बिल पेमेंट करना है, तो आप इजीली वन टैप में वहीं से पे कर सकते हैं, इम्पॉर्टेंट टैप से ही, और ये भी आप लोगों को बहुत और भी ज़्यादा प्रोडक्टिव बनाएगा और भी ज़्यादा काम इजी कर देगा आप लोगों का। तो गाइस, यहाँ पे जो लास्ट में जो सबसे कमाल की चेंजेस है वो है इसके UI डिज़ाइन में। इसमें आप लोगों को बिल्कुल नया क्लीन डिज़ाइन देखने को मिल रहा है, बहुत ही अच्छा सा डार्क मोड के साथ ये डिज़ाइन है, और नेक्स्ट टैब पे स्विच करना, जो कि बहुत ही क्लीन मिनिमल UI है, बहुत ही अच्छा UI है। पिछले वाले टेलीकॉलर से, पिछले वर्जन वाले टेलीकॉलर से तो डेफिनेटली बहुत ही अच्छा है। उसमें आप लोगों को बहुत सारे अननेसेसरी टैब्स मिलते थे, अननेसेसरी ऑप्शन मिलते थे, जो कि बहुत ही यूज़र एक्सपीरियंस को बहुत ही कन्फ्यूजिंग बनाते थे। पर अभी इस चेंज के इसके बाद डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड ऑप्शंस है, इजीली आप क्लिक कर सकते हैं, इजीली नेविगेट कर सकते हैं। बहुत ही क्लीन मटेरियल डिज़ाइन है, नया डिज़ाइन है, और डार्क मोड के साथ ही है, और आप चैट भी कर सकते हैं, जो कि बहुत ही अच्छा दिख रहा है। तो गाइस, ये था टेलीकॉलर की कुछ चेंजेस, जो कि बहुत ही कमाल के चेंजेस हैं, बिल्कुल नया वर्जन टेलीकॉलर का। तो यही था छोटा सा अपडेट। अगर वीडियो पसंद आई तो गाइस, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और कमेंट में बताइए अपने ओपिनियन, और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसे लेटेस्ट टेक के अपडेट्स लाता रहता हूँ। तो गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।